बदलापुर घटना का असर बुधवार को नागपुर में भी देखा गया है। राष्ट्रवादी शरद पवार गुट द्वारा वैराटी चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की गई है। बता दें कि बदलापुर के आदर्श स्कूल में 3 वर्ष की 2 बच्चियों के साथ स्कूल के कर्मचारी ने रेप किया है। इस विषय में दोषी को फांसी देने की मांग की गई है। शरद अधीक्षक दुनेश्वर पेठी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए फडणवीस के पास समय नहीं है। यह घटना उनकी ही पार्टी के पदाधिकारी के स्कूल में घटी है। अब क्या कार्यवाही होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। आंदोलन के दौरान शेखर सावर पांडे, रमन ठोकर, जानपा मस्के, श्रीकांत खोखरे, रेखा कुपराली, शैलेश तिवारी, चिंटू महाराज, राजा बेग, महेंद्र भांगे, मुरेश्वर जाधव, संतोष सिंह समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। लेकिन किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा। यहाँ पे पुलिस है, पुलिस सिर्फ देखने की भूमिका में रहते हैं। किसी भी प्रकार की बच्चों के सुरक्षा में किसी भी प्रकार का नहीं है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से अब ये शासन चल रहा है, ये शासन सिर्फ और सिर्फ सत्ता का कारण करने के लिए है। लेकिन किसी भी प्रकार के महिलाओं का सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा या किसी जनमानस की सुरक्षा का नहीं है। आज जो देखे जा रहा है कि महाराष्ट्र की ये संस्कृति कभी यहाँ पे होती नहीं थी। जो घटनाएं घट रही है, ये घटनाएं अतिशय दुर्दैवी घटनाएं हैं। जो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे बहने आज स्कूल की, वो आदर्श स्कूल का नाम आदर्श है, लेकिन वहाँ पे घटनाएं कैसी हो रही है। और जिस प्रकार से कोई कंप्लेंट फिरियाद करने जा रहा है, वो फिरियाद भी वहाँ पे 11-11 घंटे 12-12 घंटे पुलिस नहीं ले रही है। तो इसका मतलब महाराष्ट्र से किसी भी प्रकार का यहाँ पे कानून के ऊपर अभी विश्वास नहीं रहा। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, शहर पदाधिकारी, हम उस बच्ची के लिए, हम वो अकोला की जो घटना हुई, नासिक की घटना जो पूरे महाराष्ट्र में जो घटना हो रही है, उनको न्याय देने के लिए। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री, इन्होंने यहाँ पे अगर वो उनको नहीं जम रहा है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, हमारी ये मांग है। और जब तक ये इस्तीफा देते नहीं, तब तक हमारी ये मांग आंदोलन चलते रहेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार बहुत के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। आपके शहर में आया है शॉपिंग का जैकपॉट। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कंज्यूमर एक्सपो 2024। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। भव्य प्रदर्शनी व बिक्री 27 जुलाई 2024 से शुरू, सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। हमारा पता हनुमान मंदिर ग्राउंड, रामनगर चौक, राम मंदिर के बाजू में रामनगर। यहाँ आपको मिलेगा कश्मीरी साड़ी, कलकत्ता साड़ी से लेकर खादी शर्ट, कॉटन शर्ट, खादी कुर्ता, केकड़ा बेडशीट, जयपुरी बेडशीट के सभी रेंज, साथ ही फैंसी ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, राजस्थानी एंटीक ज्वेलरी, फिरोजाबाद बैंगल, लोअर गाउन, पायदान, कारपेट, वेस्टर्न टॉप, टेरा कोटा पॉट, बाम्बू पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पटियाला जूती, राजस्थानी जूती, बॉम्बे सेंटर, राजस्थानी बैग, पश्मीना शॉल, कश्मीरी कुर्ती, कलमकारी, मुखवास एवं चूरन, पापड़, कॉस्मेटिक, होम अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आज ही इस एक्सपो को भेज दीजिए।